Yeah, hi friends. This side Mrugul Solanki, और जैसे कि आपने देखा होगा कि गुरुमान जी का प्रोटीन इज माय ज़िंदगी कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और उसमें हमें ब्रेकफास्ट जो रेसिपी है वो क्रिएट करनी है. तो आज मैं एक ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने जा रहा हूँ जिसमें मॉर्निंग में हम वेजीज और आपका फ्रूट्स स्मूथीज बनाने जा रहे हैं. इसमें कैलोरीज रहेंगी नियर अबाउट 410, कार्ब्स उसमें रहेगा नियर अबाउट 19 ग्राम्स, आपका प्रोटीन इनटेक होगा उसमें 45 ग्राम्स और आपका फैट रहेगा 17 ग्राम्स. तो आइए जल्दी से बनाते हैं क्योंकि ये रेसिपी हो जाती है 5 मिनट में तैयार. सो हाय गाइस, जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने एक ग्लास में 250 ml वाटर लिया है और मैंने इधर एक शेकर लिया है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें जैसे कि शेकर पे मार्क होता है 8000 या फिर 250 ml हमें इधर वाटर लेना है. तो मैं वाटर को इसमें डाल देता हूँ शेकर में और उसके बाद हम थोड़ा सा आइस क्यूब इसमें डाल लेते हैं क्योंकि आइस क्यूब और उसके साथ साथ हम डाल लेते हैं थोड़ी सी. मैंने हाफ कप इसमें दही लिया है तो दही इसमें डाल दिया है और दही के बाद इसमें हमने किया है ऐड थोड़ा सा आइस क्यूब्स से क्या है थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा टेस्ट आता है क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो कुछ थोड़ा ठंडा चाहिए होता है. उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगा 2 स्पून ऑर्गेनिक पीनट बटर, फैट थोड़ा सा अच्छे गुड फैट के लिए. तो 2 स्पून इसमें डालते हैं पीनट बटर और पीनट बटर जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इसमें प्रोटीन भी है, प्रोटीन भी मिलता है हमें उसके साथ साथ गुड फैट्स भी हमें मिल जाते हैं. तो क्योंकि ये रेसिपी है इस पर हमें सारी चीज़ कंबाइन करनी है. तो उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम 5 मिनट में इसको तैयार कर लेते हैं और उसके बाद मैंने आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलीफ्लावर भी रखा हुआ है, 100 ग्राम कॉलीफ्लावर रखा है लेकिन हम कॉलीफ्लावर की जगह आप इसमें रोज़ चेंज कर सकते हैं. मैं जैसे कभी स्पिनच डाल देता हूँ, कभी ब्रोकली डाल देता हूँ बट आज मैं कॉलीफ्लावर यूज़ करने वाला हूँ. उसके साथ हम करेंगे स्ट्रॉबेरी यूज़ और जैसे देखा है कि मैंने 8 स्ट्रॉबेरीज इसमें डाली हैं और उसके साथ मैंने डाला है कॉलीफ्लावर और हमको इसको सबको डाल के और एक साथ ग्राइंड कर देना है. तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने GM न्यूट्रिशन का वे आइसोलेट प्रोटीन लिया हुआ है. इसका हमें एक स्कूप यूज़ करना है, एक स्कूप हम जो हमने अभी पीछे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं उसमें हमें मिक्स करना है. जैसे कि मैं सबको एक बार ग्राइंड कर चुका हूँ बट प्रोटीन इसमें बचता है तो इसमें प्रोटीन डाल के हमें इसे ग्राइंड करना है क्योंकि जैसा आप देख सकते हो कि अभी सारा फैट हमने वेजीज पीनट बटर से और कॉलीफ्लावर से लिया है और उसमें थोड़ा सा हमने दही यूज़ किया था, बाकी हम यहाँ प्रोटीन यूज़ करके इसको ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करते दिस इज़ ऑल को यू कैन सी शेक इज़ ऑलरेडी लेट्स ड्रिंक इट. अब शेक के साथ जैसे आप देख रहे हैं कि ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में मल्टी विटामिंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं तो मैं यहाँ पर वाओ का ओमेगा 3 यूज़ कर रहा हूँ और डेली वाइटल का मल्टी विटामिन यूज़ कर रहा हूँ. आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ब्रांड बट मैं यही यूज़ करता हूँ और इसका एक एक कैप्सूल मैं मॉर्निंग में और नाइट में लेता हूँ.